हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को अपने फ्यूचर हस्बैंड के रूप में देखकर हैरान हो जाता है और एक अनएक्सप्लेनेबल सर्कमस्टेंसेस में वो दोनों फिर से विदाउट प्रोटेक्शन इंटीमेट होते हैं। वांग जी और विंग की मैरिज के बाद लंजा अपने बेटे वांगशन के साथ विंग के घर रहने आ जाता है, जहां वांगशन विंग को पसंद ना करते हुए उसके साथ बहस करने लगता है, जिसके लिए लंजा विंग से माफ़ी मांगता है और वांगशन को डांटता है। मॉम, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने कोई परेशानी खड़ी नहीं की थी, वांगशन पाउट बनाते हुए अपनी मॉम को हक करते हुए कहता है। वांग जी अपने बेटे के फोरहेड पर किस करके उसके लिए किचन में डिनर प्रिपेयर करने चला जाता है। वांगशन भी अपनी मॉम को हेल्प करने के लिए वांग जी के साथ किचन में चला जाता है, लेकिन फ्रिज में वांग जी को कुछ भी बनाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि विंग घर में बहुत कम खाना खाया करता था, तो वांग जी सबके लिए एग नूडल्स बनाता है। तभी विंग जब शावर लेकर नीचे आता है तो वांग जी के हाथ का बना डिनर देख हैरान होता है, क्योंकि वो वांग जी को सिर्फ एक बिगड़ा हुआ प्रिंसेस समझता था। वहीं वांगशन विंग को अपनी बोहे सिकोड़े देखने लगता है, जो उसकी मॉम को एक अजीब नज़र से देख रहा था। विंग की नज़र जैसे ही वांगशन पर पड़ती है तो वो स्मर्क करते हुए सोचता है कि इस छोटे से बच्चे ने ऐसा बैड बिहेवियर किससे पाया है। वहीं वांग जी जैसे ही डाइनिंग टेबल की तरफ मुड़ता है तो अपने बेटे और विंग के बीच एक दूसरे को घूरने का कंपटीशन करते हुए पाता है। वांग जी एक नकली खांसी की आवाज़ करके उन दोनों के बीच का कंपटीशन ब्रेक करता है। डिनर रेडी है, तुम दोनों बैठो, मैं सर्व कर देता हूँ। अपनी मॉम की बात सुनकर वांगशन चहकता हुआ फौरन चेयर पर बैठ जाता है। विंग भी अपनी आईज रोल करते हुए ठीक वांगशन के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है, जहाँ वांगशन उसे देखते हुए स्मर्क कर रहा था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम सच में मैनरलेस हो, विंग वांगशन से कहता है। बोरिंग बिग मैन, अगर यहाँ कोई मैनरलेस है तो वो तुम हो, पाउट बना के ये कहते हुए वांगशन अपनी नज़र विंग से हटा लेता है। इससे पहले कि विंग आगे कुछ कह पाता, वांग जी वहाँ आ जाता है और डिनर सर्व करने लगता है। वांग जी एक नज़र दोनों की तरफ देखता है तो उसे दोनों के बीच का तनाव महसूस हो जाता है। बेबी, ये तुम्हारे न्यू डैडी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इनसे बहुत जल्द घुल मिल जाओगे, वांग जी मुस्कुराते हुए अपने बेटे को डिनर सर्व करते हुए कहता है, जिसे सुनकर विंग भी पाउट बनाए हुए वांगशन की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। मॉम, डोंट वरी, मैं अपने इस न्यू डैडी को बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगा, वांगशन जवाब देता है। लेकिन इससे पहले कि वो डिनर स्टार्ट करता, हल्की आवाज़ में बड़बड़ाता है, यू यूजलेस मैन, मैं तुम्हें कभी अपना डैडी नहीं मानूंगा, जिसे विंग वांगशन के लिप्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। विंग अचानक से टेबल पर हल्का सा हाथ मारते हुए वांग जी को उसे भी डिनर सर्व करने के लिए थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहता है। वांग जी जो अपने बेटे को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था, विंग की इस हरकत को नोटिस नहीं कर पाता और स्माइल करते हुए विंग को भी डिनर सर्व कर देता है। लेकिन वांगशन विंग के इस रूड बिहेवियर को नोटिस कर चुका था, तो वो उसे सबक सिखाने का सोचता है, क्योंकि वांगशन किसी को भी उसके मॉम के साथ बैड बिहेव नहीं करने दे सकता। डिनर कंप्लीट करने के बाद वांग जी वांगशन को उसके रूम में ले जाकर सुला देता है, और जैसे वो वांगशन के कमरे से बाहर आता है, विंग उसे उसका इंतज़ार करता हुआ दिखता है। वांग जी विंग के पास जाकर पूछता है, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, कहो क्या बात है। विंग वांग जी को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसे बहुत अच्छी तरीके से देखने लगता है। वांग जी ब्लश करते हुए विंग से अपनी नज़रें चुराने लगता है, जो उसकी आंखों से उसकी गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहा था। तुम इतने अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हो, अब हम मैरिड हैं, ये कहते हुए विंग वांग जी को डीपली किस करने लगता है। वांग जी जब खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तो विंग वांग जी को और कस के पकड़ते हुए अपना किस और डीप कर देता है। वांग जी भी थोड़ी देर में विंग को किस रिटर्न करने लगता है, और उसके मुंह से हल्की मौन करने की आवाज़ निकलती है, जब विंग उसके सॉफ्ट नेक को सक करने लगता है। रुक जाओ विंग, गुड नाइट, वांग जी
किसी तरह से खुद को और वीन को रोकते हुए फौरन अपने कमरे में चला जाता है जहां वो सोने वाला था। वो सोने से पहले अपना कमरा अच्छे से लॉक करना नहीं भूलता और थोड़ी ही देर में सो जाता है। वहीं वीन, जिसने पिछले 3 दिनों से किसी को भी टच नहीं किया था, खुद को बहुत हार्ड फील कर रहा था। वो अपने कमरे में जाकर अपने शॉवर रूम में खुद को शांत करने के बाद सोने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ वांग शियन सोया नहीं था। वो वींग के सोने का इंतजार करता है और जब उसे लगता है कि वींग सो गया होगा, वो किचन से जाकर एक पानी से भरा जग ले आता है। वांग शियन दबे पांव वींग के कमरे में जाकर जब उसे सोता हुआ देखता है तो एक स्मर्क करके पानी वींग के ऊपर डाल देता है। वींग चिल्लाते हुए बेड पर उठकर बैठ जाता है और अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए अपने सामने हंसते हुए वांग शियन को देखता है। तुम तो मेरे हाथों से आज गए छोटे लोमड़ी, वींग गुस्से में ये कहते हुए जैसे ही वांग शियन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वांग शियन बेड से कूदकर ऊंची आवाज में कहता है, रुक जाओ, अगर तुमने मुझे मारा तो लोग कहेंगे कि तुमने एक छोटे बच्चे को बुली किया, फिर देखेंगे कि तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होता है। ये सुनते ही वींग के कदम रुक जाते हैं और वो सोचता है कि सच में इस बच्चे को अच्छे से पता है कि कैसे बात करनी होती है। अब तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं कहाँ सोऊंगा, अब चलो मेरे साथ। वींग ये कहते हुए वांग शियन को उसके कॉलर से पकड़कर उसके कमरे में ले जाता है और उसे अपनी बाहों में अच्छे से पकड़ते हुए उसे लेकर बेड पर लेट जाता है। इस पूरे समय वांग शियन वींग पर चिल्ला रहा था उसे छोड़ने के लिए, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो मैं तुम्हें बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। वींग की धमकी सुनकर वांग शियन फौरन चुप हो जाता है। जैसे ही वांग शियन शांत होता है, वींग उसे छोड़ देता है और अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। वांग शियन भी पाउट बनाते हुए अपनी भी आंखें बंद कर लेता है। वांग शियन जब सुबह उठता है तो खुद को वींग की बाहों में जकड़ा हुआ पाता है। जब वो खुद को वींग से छुड़ा नहीं पाता तो ऊंची आवाज में बोलता है, बेवकूफ आदमी, छोड़ो मुझे, मैं कोई तुम्हारा वाइफ या बेटा नहीं हूँ जो मुझे हक करके सो रहे हो। वांग शियन की आवाज सुनकर वींग उसे छोड़कर दूसरी तरफ मुंह करके अपना सोना जारी रखता है। वांग शियन भागकर वांग जी के कमरे का दरवाजा नॉक करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो फौरन अपनी मॉम के बेड पर जाकर सो जाता है। वांग जी भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे को गले लगाकर सो जाता है क्योंकि अभी उठने का टाइम नहीं हुआ था। 2 घंटे बाद जब वींग उठता है तो खुद को बेड पर अकेला पाकर सोचने लगता है कि ये शैतान बच्चा कहाँ गया, ये सच में बदतमीज बच्चा है जिसने कुछ ही घंटों में मुझे बुली करने की हिम्मत दिखाई। ये सोचते हुए वींग टाइम चेक करता है तो सुबह के 8 बजे थे, तो वो वांग जी को उसके कमरे में चेक करने जाता है। वींग देखता है कि वांग जी के रूम का दरवाजा लॉक नहीं था, तो वो जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाता है वो देखता है कि वांग जी बेड पर बैठे हुए अपने स्टमक को हल्के हाथों से रब कर रहा था कि अचानक वो वॉमिट करने के लिए वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। ये देखकर वींग टेंस्ड होते हुए वांग जी के पीछे वॉशरूम में चला जाता है। वींग वांग जी के बैक को जेंटली रब करता है जिससे वांग जी को अच्छा फील होता है। वो मुड़कर वींग को देखता है जिसने वांग जी की कमर पर अपने हाथों को रैप किया हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वांग जी खुद को संभालते हुए पूछता है और अपना सिर वींग के सीने पर रखकर उसकी सेंट को इनहेल करता है जिससे उसे आराम मिलने लगा था। मैं बस देखने आया था कि तुम सोकर उठ गए हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी मॉर्निंग सिकनेस कब से स्टार्ट हुई है। वींग के इस सवाल से वांग जी जानबूझकर एक कंफ्यूज लुक से वींग को देखते हुए उससे दूर हो जाता है। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, फिलहाल मेरे कमरे से बाहर जाओ, ये कहकर वांग जी अपना मुंह धोने लगता है। वींग करीब आकर वांग जी को पीछे से हक कर लेता है। वांग जी स्टिफ हो जाता है लेकिन ना चाहते हुए भी उसे वींग की वार्मनेस अच्छी लग रही थी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वींग कहता है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अब जाओ मेरे कमरे से, और वैसे भी तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे काम और मेरी परेशानियों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हुए वांग जी वींग को धक्का मारकर कमरे से बाहर निकाल देता है और वापस वॉशरूम में आकर दीवार के सहारे अपनी आंखें बंद करके खड़े होते हुए अपनी टमी को टच करता है और खुद से कहता है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ,
मुझे एक और बेबी नहीं चाहिए, मैं इसे सीक्रेटली अबॉर्ट करवा दूंगा, मेरे लिए एक ही बेबी काफ़ी है। जब विंग ने अपने पहले बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो वो ज़रूर दूसरे को भी नहीं देगा। अपने मन में फैसला करने के बाद वांग जी किचन में जाकर वांगशियन और विंग दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके एक नोट लिखकर विंग के लिए छोड़ जाता है कि वो जल्द वापस आ जाएगा, तब तक वांगशियन का वो ख्याल रखे। इसके बाद वांग जी नियरेस्ट क्लिनिक में जाकर जो सोचा था वो करता है। फिर घर आते हुए हाउतियान के साथ कुछ ग्रॉसरीज खरीद कर लाता है। जब वो घर पहुंचता है तो वांगशियन आराम कर रहा था और विंग वांग जी का इंतज़ार। हाउतियान उन दोनों को अकेला लिविंग रूम में छोड़कर सामान किचन में ले जाता है कि तभी विंग पूछता है, तुम इतने लंबे समय के लिए कहाँ गए थे? तुम्हें पता है ना मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकता, मेरा अपना भी काम है। ये सुनकर वांग जी धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे कुछ काम था, अब तुम जा सकते हो। और जैसे ही ये कहकर वांग जी मुड़ता है, विंग उसे रोकते हुए कंसर्न टोन में पूछता है, तुम बहुत कमज़ोर दिख रहे हो, क्या बाहर तुमने कुछ किया था? लेकिन वांग जी बिना कुछ कहे विंग से अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चला जाता है और शावर लेकर मेडिसिन लेता है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी और सो जाता है। वहीं विंग वांग जी का रिएक्शन देखकर हाउतियान के पास जाकर पूछने की कोशिश करता है कि क्या वांग जी हॉस्पिटल गया था। ये सुनकर हाउतियान पहले तो थोड़ा टेंस्ड होता है, फिर खुद को संभालते हुए विंग को कह देता है कि वांग जी सारा वक्त उसी के साथ था और अगर उसे यकीन नहीं तो वो सारे हॉस्पिटल्स में कॉल करके पूछ सकता है क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है। ये सब कहकर जब हाउतियान को यकीन हो जाता है कि विंग उस पर डाउट नहीं कर रहा तो वो मुड़कर वापस किचन में वांग जी और वांगशियन के लिए खाना बनाने लगता है। विंग वहाँ से चला जाता है ये सोचते हुए कि आज वो बाहर ही सोएगा ताकि कोई उसकी नींद ना खराब कर सके और जो कुछ भी वांग जी उससे छुपाने की कोशिश कर रहा है वो उसका पता भी ज़रूर लगा लेगा। वही हाउतियान वांग जी के लिए चिकन सूप लेकर उसे उठाकर सूप देते हुए पूछता है, अब तुम कैसा फील कर रहे हो वांग जी? मैं अब ठीक फील कर रहा हूँ और कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई क्योंकि ये अर्ली प्रेगनेंसी थी। ये जवाब देकर वांग जी सूप पीने लगता है। क्या तुम्हें अपने फैसले पर अफसोस नहीं हो रहा? हाउतियान के ऐसा पूछते ही वांग जी सूप पीना रोककर हाउतियान के शोल्डर को पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहता है, नहीं मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन वांगशियन कहाँ है? मैंने सुबह से उसे नहीं देखा। जिस पर हाउतियान कहता है, वो जैक्सन के साथ बाहर गया है, वांगशियन बोर हो रहा था तो उसने विंग के पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया। विंग को अब नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे क्योंकि वांगशियन ने उसके कुछ कपड़े कैंची से काट दिए और कुछ को पेंट कर दिया है। ये सुनते ही वांग जी का सूप उसके गले में अटक जाता है। उफ, ये शरारती लड़का हमेशा ही परेशानियां खड़ी करता रहता है जबकि परेशानियां खुद उससे दूर रहना चाहती है, लेकिन ये लड़का खुद जाकर परेशानियों को खींच कर ले आता है। वाह वेवुशियान, तुम ग्रेट हो, मेरे बेटे ने एक भी गुण मेरे नहीं लिए। ये कहते हुए वांग जी टेंस्ड होकर अपना सूप फिनिश करने लगता है। तुम आराम करो, मैंने ऑलरेडी विंग का कमरा साफ कर दिया है लेकिन कपड़ों से पेंट साफ नहीं हो पाया। ये कहकर हाउतियान खाली सूप का बाउल लेकर वहां से चला जाता है और वांग जी अपने फोन पर कुछ सर्च करने लगता है। वही विंग अपनी एक न्यू गर्लफ्रेंड के साथ मॉल में था जिससे वो पिछले एक हफ्ते से बात कर रहा था, लेकिन मैरिज प्रिपरेशन और वर्क की वजह से मिल नहीं पाया था तो वो उस लड़की के साथ मॉल में उसे शॉपिंग करवाने आया था और उसके साथ बहुत टची हो रहा था। वो लड़की भी इतने हैंडसम रिच बॉयफ्रेंड को पाकर जो कि एक डॉक्टर भी था बहुत खुश दिख रही थी। वहीं उसी मॉल में वांगशियन भी अपने अंकल जैक्सन के साथ था जो उसके सारे पैसे खर्च करवा रहा था। जैक्सन इतने शरारती बच्चे के साथ भाग भाग कर पूरी तरह से थक चुका था कि तभी वांगशियन की नज़र विंग पर जाती है जो एक लड़की को अपनी बाहों में लिए घूम रहा था। वांगशियन अपनी बोहें सिकोड़ते हुए विंग की तरफ भाग जाता है। जैक्सन जो उसके पीछे आ रहा था वांगशियन को इस तरह से भागते देख कंफ्यूज होकर उसके पीछे जाता है। वहीं रुक जाओ, वांगशियन चिल्लाते हुए विंग से कहता है जो बस अपने कार का डोर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खोलने ही वाला था। विंग जैसे ही पलट कर देखता है तो परेशान होकर अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए सोचता है
कि ये छोटा शैतान यहाँ कहाँ से आ गया? क्या चाहिए तुम्हें? विंग हाफते हुए वांगशेन से पूछता है, जिसकी नज़र सिर्फ उस लड़की पर थी और उस लड़की की कंफ्यूज नज़रें उन दोनों पर। कि तभी वांगशेन चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे डैडी की कार को टच मत करो और यहाँ से चली जाओ। वांगशेन इतनी तेज बोला था कि आसपास का क्राउड उनकी तरफ देखने लगा था। विंग फटाफट वांगशेन को खींचते हुए एक कम क्राउडेड जगह पर ले जाता है और इससे पहले कि वांगशेन और आगे कुछ कहता, विंग उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ लिटिल डेविल कि अपनी हरकतों से मेरी डेट मत खराब करो। ये कहकर जैसे ही विंग जाने लगता है, वांगशेन उसके पैर को पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है और कहता है, तुमने मेरे मॉम से शादी की है और तुम्हें सिर्फ उन्हीं के साथ रहना होगा, तुम किसी और के साथ नहीं जा सकते। विंग ये सब सुनकर खुद को शांत करते हुए कहता है, तुम बच्चे हो और बच्चे की तरह ही रहो। कि तभी विंग की गर्लफ्रेंड वहां आकर पूछती है कि ये सब क्या है। तो वांगशेन चिल्ला कर कहता है, ये मेरे डैडी हैं और अगर तुमने इन्हें टच भी किया ना तो मैं चिल्ला कर बोलूँगा कि तुम मेरे डैडी को पाना चाहती हो। ये सुनते ही वो लड़की गुस्से में विंग को उल्टा सीधा कहकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि विंग ने खुद को सिंगल बताया था। उस लड़की के जाते ही एक सेटिस्फैक्ट्री स्माइल के साथ वांगशेन विंग का पैर छोड़ देता है और जाकर विंग की कार में बैठ जाता है। विंग फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए एक ही जगह पर गोल गोल घूमते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं इस शैतान को और नहीं झेल सकता, इसने मेरी डेट खराब कर दी और इसकी हिम्मत तो देखो, मेरी कार में ऐसे जाकर बैठ गया मानो इसी की कार हो। उसके ऊपर से जब विंग उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल देखता है तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं जैक्सन ने जैसे ही वांगशेन को विंग के साथ देखा वहां से भाग गया, क्योंकि वो इस लिटिल ट्रबल मेकर से परेशान हो गया था। विंग थोड़ी देर बाद शांत होकर कार में आकर बैठते हुए पूछता है, क्या तुम यहाँ अकेले आए थे? नहीं, अंकल जैक्सन के साथ, पर अब तुम उन्हें जाने दो, मैं अब घर जाना चाहता हूँ। वांगशेन अपने सीने पर अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए जवाब देता है। विंग में एक्नॉलेज करते हुए कार चलाते हुए सोचता है कि ये बच्चा अच्छे से जानता है कि कहाँ मुझे डैडी कहने का दिखावा करना है और अकेले में तो ये बिल्कुल उफ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज़रूर इसे मेरे पीछे वांग जी ने ही भेजा होगा मुझे परेशान करने के लिए। जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो विंग वांगशेन को वांग जी के पास छोड़कर अपने कमरे में कपड़े चेंज करने जाता है और वार्डरोब को खोलने के बाद जो नज़ारा उसके सामने था वो ज़ोर से वांगशेन का नाम लेकर चीखता है। वांगशेन दूसरे कमरे में से विंग की चीख सुनते ही फौरन अपने मॉम के पीछे छिप जाता है। वांग जी पलट कर अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम बस यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो वहीं पास में रखे अपने कुछ कपड़े लेकर विंग को देने चला जाता है। वांग जी विंग के कमरे में एंटर करके जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है, विंग वांग जी को फोर्सफुली पकड़कर धक्का दे देता है। वांग जी दीवार में जाकर टकराता है और दीवार से टकराते ही उसे अपने स्टमक में पेन फील होता है और जो कपड़े उसके हाथ में थे वो वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं। तुमने और कितनी चीज़ें अपने शैतान बेटे को मेरे साथ करने को कहा है वांग जी? अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करते हो तो खुद आओ मेरे पास, अपने बेटे को क्यों भेज रहे हो? विंग गुस्से में ये कहते हुए वांग जी को दीवार पर और ज़्यादा पिन करने लगता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सॉरी, मैं अपने बेटे को सही सीख नहीं दे सका, लेकिन तुम इसके लिए सिर्फ मुझे दोष नहीं दे सकते क्योंकि उसमें ये लक्षण तुमसे ही आए हैं, तो खुद को दोष दो। वांग जी अपना दर्द सहते हुए जवाब देता है, ओह, तो इन सब के लिए मैं खुद को ब्लेम करूं? तो तुम अब ये कहना चाहते हो कि उसे ये सब हरकतें मुझसे मिली हैं जबकि वो बच्चा मेरा है भी नहीं? तुम उस शरारती बच्चे से कम नहीं हो, उसने मेरे बेड पर पानी गिरा, मैंने जाने दिया। आज उसने मेरी डेट खराब कर दी, मैंने चलो वो भी जाने दिया, और अब मेरे कपड़े? ये कहते हुए विंग वांग जी को घुमाते हुए बेड पर पेट के बल लिटाकर
उसके हाथ पीछे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वांगजी को अपने स्टमक में और ज्यादा दर्द होने लगता है। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो वी, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। बस वांगजी इतना ही कह पाता है कि अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द लौटूंगी नई वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।